अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन डोनट बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, तो इस माह रमज़ान में आप इसे अपने इफ्तार में ज़रूर से शामिल करें। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 नींबू का रस लेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे और 1 मुट्ठी हरा धनिया का लेंगे। 1 प्याज को रफली चॉप करके इसमें ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ क्रीम के बदले दूध के ऊपर जमी हुई मलाई भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बटर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसकी जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 2 ब्रेड के स्लाइसेस इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा एकदम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है हमें और इसका एक डो तैयार करना है। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे वरना डोनट अपना शेप नहीं लेंगे, इसीलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ इसका बैटर रेडी हो चुका है। इसके साथ ही हम लेंगे ब्रेड क्रम्ब और 1 अंडा लेंगे और इसमें 1/2 कप दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से अंडे की स्मेल रिमूव हो जाती है और इसे मिक्स करेंगे। तो चलिए डोनट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों में ऑयल अप्लाई करेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे हम इसका, और इस तरीके से अपने दोनों हाथों की मदद से इसे डोनट का शेप देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं। ये देखिए कितना जल्दी इन्होंने अपना शेप ले लिया, ये देखिए। अब हम एक बॉटल का ढक्कन लेंगे और इसे डोनट के सेंटर में रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसे प्रेस करेंगे। तो ये देखिए कितना आसानी से ये बन गया। आप चाहें तो इसे अपने उंगलियों की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब हम इसे सबसे पहले एग में डिप करेंगे। इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। अच्छी तरह से हम इसे कवर कर लेंगे। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है, और इसी तरीके से हम सारे डोनट को रेडी करेंगे। तो इतने बैटर से टोटल 9 डोनट रेडी हुए हैं। ये देखिए इस स्टेज में आप चाहें तो इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं। आप इसे किसी भी ज़िपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज करें। ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और जब भी आपको बनाना हो आप इसे निकालें और फ्राई कर लें। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो ऑयल यहाँ गर्म हो गया है। ऑयल को हमने सबसे पहले हाई फ्लेम पर गर्म किया, उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डोनट ऐड करेंगे। 5 मिनट्स तक हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि चिकन अंदर से अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए, और ये पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे डोनट फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची डोनट बन के रेडी हुआ है। तो अब मैं आपको इसे अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरी तरह से अंदर से भी कुक हो चुका है। आप इसे किसी भी चटनी, सॉस, दही के साथ सर्व करें। इस रमज़ान के महीने में इस इजी रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।